सत्संग की सही शिक्षा। एक प्रेरक कहानी। एक संत ने अपने दो शिष्यों को दो डिब्बे में मूंग के दाने दिए और कहा, ये मूंग हमारी अमानत है, ये सड़े गले नहीं बल्कि बड़े चढ़े, यह ध्यान रखना। 2 वर्ष बाद जब हम वापस आएंगे तो इन्हें ले लेंगे। संत तो तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। इधर एक शिष्य ने मूंग के डिब्बे को पूजा के स्थान पर रखा और रोज उसकी पूजा करने लगा। दूसरे शिष्य ने मूंग के दानों को खेत में बो दिया। इस तरह 2 साल में उसके पास बहुत मूंग जमा हो गई। 2 साल बाद संत वापस आए और पहले शिष्य से अमानत वापस मांगी तो वह अपने घर से डिब्बा उठा लाया और संत को थमाते हुए बोला, गुरुजी, आपकी अमानत को मैंने अपने प्राणों की तरह संभाला है, इसे पालने में झुलाया, आरती उतारी, पूजा अर्चना की। संत बोले, अच्छा, जरा देखूं तो सही कि अंदर के माल का क्या हाल है। संत ने ढक्कन खोलकर देखा तो मूंग में घुन लगे पड़े थे। आधे मूंग की तो वे चटनी बना गए, बाकी बचे खुचे भी बेकार हो गए। संत ने शिष्य को मूंग दिखाते हुए कहा, क्यों बेटा, इन्हीं घुनों की पूजा अर्चना करते रहे इतने समय तक। शिष्य बेचारा शर्म से सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। इतने में संत ने दूसरे शिष्य को बुलवाकर उससे कहा, अब तुम भी हमारी अमानत लाओ। थोड़ी देर में दूसरा शिष्य मूंग लाद कर लाया और संत के सामने रखकर हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, यह रही आपकी अमानत। संत बहुत प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, बेटा, तुम्हारी परीक्षा के लिए मैंने यह सब किया था। मैं तुम्हें वर्षों से जो सत्संग सुना रहा हूँ उसको यदि तुम आचरण में नहीं लाओगे, अनुभव में नहीं उतारोगे, तो उसका भी हाल इस डिब्बे में पड़े मूंग जैसा हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं एक और सत्संग की महिमा पर कहानी। ये कहानी छोटी है लेकिन बहुत बड़ी सीख देने वाली है। आइए जाने। एक बार का जिक्र है, एक बहुत बड़ा चोर था। जब वो मरने लगा तो अपने बेटे को बुलाकर नसीहत दी कि अगर तुझे चोरी करना है तो किसी महात्मा के सत्संग में, गुरुद्वारा, धर्मशाला या धर्म स्थल पर मत जाना कभी, इनसे दूर ही रहना। और दूसरी बात यह कि अगर पकड़े जाओ तो मानना नहीं कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी भी मार पड़े, मानना नहीं कि तुमने चोरी की है। लड़के ने कहा, जी सत्य वचन, मैं ऐसा ही करूँगा। इसके बाद वह चोर मर गया और उसका लड़का रोज रात को चोरी करता रहा। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी के घर में ताले तोड़े, घर वाले जाग पड़े और उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे, उन्होंने कहा कि आने दो, बचकर कहाँ जाएगा, हम यहाँ पर पकड़ लेंगे उसको। अब इधर घर वाले खड़े थे, उधर पहरेदार खड़े थे, चोर जाए तो किधर जाए। खैर, किसी तरह वो बचने के लिए वहाँ से भागा तो रास्ते में एक धर्मशाला पड़ती थी। उसे अपने बाप की सलाह याद आई कि धर्मशाला में नहीं जाना है, लेकिन अब करे तो क्या करे। आखिर उसने सोचा कि मौका देखना चाहिए और धर्मशाला में चला गया। बाप का आज्ञाकारी बेटा था, उसने कानों में अपनी दोनों उंगली डाल ली कि सत्संग के वचन कानों में ना पड़ जाए। हमारे पिता ने मना कर रखा है कि सत्संग में नहीं जाना, तो उसने कानों में अपनी दोनों उंगली डाल ली कि हम सत्संग ना सुन पाए। दोस्तों, जो हमारा मन होता है वह अड़ियल घोड़े की तरह होता है, इसे जिधर से मोड़ो उधर ही जाने लगता है। कानों को बंद कर लेने पर भी चोर के कानों में यह वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। वहां पर सत्संग चल रहा था और इसने कान बंद कर रखा था, फिर भी उसके कान में थोड़ी सी आवाज आई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसके मन ने कहा कि परछाई हो चाहे ना हो, मुझे क्या, फिर मैंने यह वचन जानबूझकर तो नहीं सुने,
अनजाने में सुन लिया। उसने अपने पिता को सफाई देते हुए मन ही मन कहा कि मैंने जानबूझकर नहीं सुना, ये ऐसे ही सुन गया मेरे कानों में, मैंने तो कान बंद कर रखे हैं। अब इधर घर वाले और पहरेदार पीछे लगे हुए थे। किसी ने बताया कि चोर धर्मशाला में है। धर्मशाला की जब जांच हुई तो वह चोर पकड़ा गया। दोस्तों, उस चोर की पुलिस ने बहुत पिटाई की, लेकिन वह नहीं माना कि उसने चोरी की है। और आपको बता दें कि उस समय यह नियम था कि जब तक मुजरिम अपराध ना माने तो सजा नहीं दी जा सकती थी। आखिर उस चोर को राजा के सामने पेश किया गया, वहाँ भी खूब मार पड़ी, लेकिन चोर जो था कि मानने को तैयार ही ना था। उसने अपने पिता से वचन ले रखा था कि कितनी भी मार पड़े, मानना नहीं कि हमने चोरी की है। राजा को पता था कि चोर जो होते हैं वो देवी की पूजा करते हैं, देवी की आराधना करते हैं, इसलिए पुलिस ने एक ठगनी को सहायता के लिए बुलाया। ठगनी को बुलाया गया, सारी बात बताई गई तो उसने कहा कि मैं मना लूँगी उसको, इससे कहलवा लूँगी कि इसने चोरी की है। उस ठगनी ने देवी का एक स्वांग बनाया, दो नकली बाहें लगाई, चारों हाथों में मशाले जलाईं और नकली शेर की सवारी की। चूंकि वह पुलिस के साथ मिली हुई थी, इसलिए जब वो आई तो उसकी हिदायत के मुताबिक जेल के दरवाजे कड़क कड़क कर खुल गए। पहले से सब प्लान कर रखा था कि देवी जब आए जेल में तो सारे दरवाजे अपने आप खुलते जाएं। ऐसा ही हुआ। और जब आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो अपनी इष्ट की याद करता है, इसलिए चोर भी उस समय देवी की याद में बैठा हुआ था। अचानक से दरवाज़ा खुल गया और अंधेरे कमरे में एकदम रोशनी हो गई, और उस ठगनी जो देवी का रूप बनाया था, देवी के रूप में ही एक खास अंदाज में कहा, देखो भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने अच्छा किया जो तूने चोरी नहीं बताई। तूने अगर चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे, मुझसे ना छिपाना, मैं तुझे फौरन आज़ाद करा दूंगी यहाँ से। चोर देवी का भक्त था, अपने इष्ट को सामने खड़ा देखकर बहुत खुश हुआ। मन में सोचा कि मैं इनको सच सच बता दूं। अभी वह बताने के लिए तैयार ही हुआ था कि उसकी नज़र देवी की परछाई पर पड़ गई। उसको फौरन सत्संग का वचन याद आ गया कि देवी की परछाई नहीं होती। उसने देखा कि इसकी तो परछाई है, समझ गया कि यह देवी नहीं, हमारे साथ छल हुआ है। यह सोचकर वह रुक गया और बोला कि माँ, मैंने चोरी नहीं की है। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता ना होता? आप तो सर्वव्यापी हैं, आप तो सब जानती हैं। अगर मैंने चोरी की होती तो आपको तो पता होता ही। मैंने कोई चोरी नहीं की है। अब ठगनी के कहने पर जेल के बाहर बैठे पहरेदार चोर और ठगनी की बातचीत नोट कर रहे थे। उनको और ठगनी को विश्वास हो गया कि यह चोर नहीं है। अगले ही दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि यह चोर नहीं है, और फिर राजा ने उसको आज़ाद कर दिया। जब चोर आज़ाद हुआ तो सोचने लगा कि जब सत्संग का एक वचन सुना तो जेल से छूट गया, अगर सारी उम्र सुनूं तो पता नहीं क्या क्या मिले मुझे। जब यह ख्याल आया तो रोज सत्संग में जाने लगा वह चोर। किसी पूर्ण महात्मा की शरण ले ली उसने और चोरी का पैसा हमेशा के लिए छोड़ दिया, और वह जो चोर था महात्मा बन गया। प्यारे धर्म प्रेमियों, इसलिए कहते हैं कि सत्संग के बराबर न गंगा है, न यमुना है, और ना ही कोई अन्य तीर्थ है। कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। इसलिए आपसे हमारी विनती है कि सत्संग में हमेशा जाएं और जाते रहें। धन्यवाद।